यदि आप फोन पे यूज़ करते हो और एक साथ आप दो बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हो ट्रांसफर करने के लिए या फिर बैलेंस चेक करने के लिए कोई भी रीज़न हो सकता है लेकिन अगर आप फोन पे यूज़ करते हो और अपना जो है एक बैंक अकाउंट आपका लिंक है आपके खाते यानी फोन पे में और आप दूसरा लिंक करना चाहते हो वो तो वो कैसे लिंक किया जाता है आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं हालांकि अब जो है यहाँ पे फोन पे पे अपडेट आ गया है अब ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने आज से कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था करके भी सिखाया था और लिंक करना भी बताया था और अनलिंक करने कैसे किया जाता वो भी आपको बताया था तो वहाँ पर काफ़ी लोगों कमेंट्स आए काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा कमेंट्स किया कि हाँ ठीक है हो जाता है और यहाँ पर आप काफ़ी लोग कमेंट्स ये कर रहे हैं कि भाई आप उसको एक्टिवेट करना पड़ता है तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे तो आज कृष्ण में आपको यही बताने वाले हैं तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको एक्टिवेट करना है यानी कि अब जो अपडेट्स आ गया तो उसमें एक्टिवेट हो करना हो गया है लेकिन ये लिंक करना ही है ठीक है आप चाहे इसको लिंक करना कह सकते हो या फिर एक्टिवेट करना कह सकते हो तो वहां पर काफी लोगों ने काफी निगेटिव कमेंट्स किए हालांकि उनकी प्रॉब्लम थी तो उन्होंने कमेंट्स किया तो हम आपके लिए आज से फिर एक वीडियो यही वीडियो बना रहे हैं ताकि इसमें आपको क्लियर करके फिर से समझाया जा सके और बताया जा सके ठीक है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको सिंपल्स यहाँ पे करके दिखाते हैं और यहाँ पे हम एक चीज बताना चाहेंगे कि आपका खुद का पर्सनल यानी एक मोबाइल नंबर है दोनों अकाउंट से लिंक है तो आप ऐसा कर पाएंगे अपने फोन पे फोन पे और घर बैठ के अपने मोबाइल से ही अगर आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में भी लिंक है आप, आपके घर के किसी फैमिली के और अकाउंट में लिंक है तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है क्योंकि ये मैंने ट्राई किया है तो ये प्रॉब्लम आती है और ऐसे में इसका सोल्यूशन आपको अपने बैंक में जाकर मिलेगा यदि आपका मोबाइल नंबर आपके किसी घर के और मोबाइल यानी अकाउंट में लिंक है तो अगर आपका मोबाइल नंबर आपके खुद से ही यानी कि आपके दो अकाउंट है दोनों में एक ही मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आप सिंपल सा लिंक कर पाएंगे तो यहाँ पर तो ये तो मैंने आपको बता दिया क्लियर करके आप ताकि आपका डेटा और टाइम वेस्ट ना हो और आप सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं और करके यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको दिखाएँ वीडियो थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी आप उसको एक्टिवेट लिंक दोनों कर पाओगे और अनलिंक भी करना मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे हम सिंपल से अपना जो फ़ोन पे है उसको ओपन करेंगे ठीक है हालांकि और भी काफ़ी यू पी आई बेस्ड अप्लीकेशन होते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है आपने जो भी अपने फ़ोन पे में चाहे फिंगर लॉक चाहे जो भी लगा रखा होगा आप वो डालिएगा आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे ठीक है यहाँ पर चार ऑप्शन है और यहाँ पर आप रुपये वाला आइकन पर क्लिक करेंगे ठीक है वैसा ही प्रोसीजर है और यहाँ पे आप आएंगे पेमेंट्स वाले सेक्शंस में और यहाँ पर आप यू जैसे आप देख पा रहे होंगे यूपीआई बैंक अकाउंट्स आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहां पे आप देख सकते हैं हमारा से, बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा का और यहाँ पे यह लिंक है और यहाँ पे दूसरा लिंक करना है तो आप जैसे देख सकते हो ऐड न्यू बैंक अकाउंट ठीक है आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा नंबर भी सेव हो रहा है ठीक है सेलेक्ट बैंक अकाउंट यानी कि इसी नंबर से आपका अगर दूसरे अकाउंट में ये नंबर लिंक है आपका पर्सनल है तो यहाँ पर जल्दी हो जाएगा कहने का मतलब है यहाँ पे उसको स्कैन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी वो तुरंत सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे आप अपने बहुत सारे बैंक हैं ये थोड़ा नेटवर्क स्लो है यहाँ पर बहुत सारे बैंक हैं आप इनमें से आपका जो भी बैंक है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सर्च करके भी जा सकते हैं यहाँ पर हमारा एस है तो चलिए हम यहाँ पर एस को अपने सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम और नीचे आ जा जाते हैं थोड़ा सा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एस जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑटोमेटिक लिंक हो गया यहाँ पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है क्योंकि हमारे दो अकाउंट हैं ठीक है थीके? एक ही नंबर से लिंक है इसलिए यहाँ पे हमको प्रॉब्लम नहीं आई है अगर आपने अपनी फैमिली का दे रखा है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है और जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा सब कुछ दिखा रहा है सेलेक्ट बैंक अकाउंट यहाँ से हम बैलेंस विल का चेक कर सकते हैं ठीक है और यहाँ से बोल रहा है सेट एज ए प्राइमरी यहाँ पे आप तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे होंगे ठीक है यहाँ पर जैसे आप माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा टाइप दिखा रहा है सेविंग अकाउंट है ब्रांच आई पी कोड सब कुछ दिखा रहा है ठीक है आप यहाँ से भीम यू पी आई आई डी पिन या चेंज इस पर कर सकते हैं ठीक है थीके? भीम यू पी आई पिन और जैसे कि आप बैलेंस भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है और जैसे कि आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे अनलिंक बैंक अकाउंट अगर आपको अपने बैलेंस चेक करना था आपने चेक कर लिया आपको स्टेटमेंट देखना था आपने कर लिया और इसको आप अनलिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं अनलाइन अनलिंक बैंक अकाउंट तो यहाँ पर सिंपल सा इसको आप हटा भी सकते हैं ठीक है तो ऐसे यह आप यहाँ पर अनलिंक करेंगे तो ये हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो अकाउंट लिंक करना मेरे हिसाब से ट्रांजेक्शन्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर आपको सिंपल से एक अकाउंट को लिंक करना चाहिए और जब भी उसकी जरूरत पड़े आप उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं तब आप इसको हटाकर उसको लिंक कर सकते हैं ठीक है तो इस हिसाब से आपको ट्रांजेक्शन बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि हमको अगर पेमेंट भेजना हो तो कैसे जाएगा तो यहाँ पर हाँ आप हमेशा एक अकाउंट को लिंक करके कर रखिए एक को आप हटा दीजिए तो आपको यहाँ भी भी वाली आप भी ऐसा करके सारे आई होप सो कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी होंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए ना पसंद आया तो डिसलाइक करिए इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजीजिए पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं वहां पूछ सकते हैं बेसिकली हम अपने सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं हमसे जो क्वेश्चंस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन, उनका जो है आंसर दे पाए या फिर उनका जो है उनके बारे में वीडियो बताकर उन्हें समझा पाए तो हम मिलते हैं स्टूडेंट चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग